गेस्ट्रो हो गया। कौन कौन सा गेस्ट है? एक ही होगी ना। और दो गेस्ट जुड़े हैं, चार गेस्ट। और इसके अलावा सब तैयार है ना? ना? और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई अपडेट आएगा ना चंदन, तो वो भी हम चलाएंगे, ठीक है? वो भी चलाएंगे। और तुम ये रोल कर रहे हो क्या? हाँ रोल है। अरे तो व्यूवर्स को ये दिखा रहे हो आज तुम कि किस तरह से हम जो ब्रॉडकास्ट लेके आते हैं, खासतौर पर जो डिजिटल में हम ब्रॉडकास्ट लेकर आते हैं, वो किस तरह से होती है, कैसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। आप देखते हैं सिर्फ एक चेहरा हो, लेकिन इन्वॉल्व बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये यहाँ पे आपने अभी देखा, जैसा कि आपको यश ने, यश ये कैमरा जो इस समय हैंडल कर रहे हैं, वो यश हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए हमारे कैमरा पर्सन है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और ये भी ऑपरेशन आपके पास स्मूथली पहुंचता है, और आपको लगता है कि देखिए सिर्फ एक चेहरा आपको दिखाई देता है जो कि एक एंकर का चेहरा होता है। तो यहाँ पर वो ऑपरेशन भी आपने देखा, और साथ ही इसके अलावा बहुत सारे लोग आज आपने देखे नहीं, जैसे कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है। तो जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है वो दरअसल ये जो गेस्ट हैं उनको लाइन अप करने का काम करता है, उन्हें उनको कोऑर्डिनेट करता है। और आज हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इस टाइम हम किसकी बात करते हैं। चलिए अब आज से मैं आप लोगों के लिए भी क्विज शुरू करूंगी कि हम 6 बजे किसके बारे में न्यूज 18 इंडिया पर बात करते हैं। हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो मानता नहीं है। पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ स्टेट इन डिनायल। पाकिस्तान में दिक्कत ये भी है, बड़े सारे लोग ये भी बोलते हैं यार पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, इतना पाकिस्तान के बारे में ऐसा इतना क्यों बात की जाती है। तो एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में एक्चुअली इतनी बात इसलिए की जाती है क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त हमारे बारे में सोचता रहता है, हर वक्त कोई ना कोई खबर आती रहती है। अब आप सोचिए अगर कोई आपके इलेक्शंस को तय करने की बातें करने लगे, और ये टैप देना यश मुझे, तो अगर के इलेक्शंस को तय करने की बात करने लगे, सोचिए जरा इंडिया में कोई नेता अपील करे, कोई पार्टी कहे कि जी मोदी जी ऐसे हैं, खराब हैं, सही हैं, व्हाटएवर, तब तक वो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के नेता अगर ये कहने लगे, जिनके अपने घर में डेमोक्रेसी दम तोड़ रही हो, जिनके यहाँ फौज सब कुछ डिसाइड करती हो, पपेट लीडर्स होते हैं वहां पर, आपको याद होगा इमरान खान नियाजी को कहा जाता था सिलेक्टेड पीएम, हालांकि बाद में वो फौज के ही खिलाफ हो गया, और उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो तो हमने आपने सबने देखा है, और आज तो वो जेल में बैठे हुए हैं, उनकी जो बेगम है वो भी जेल में बैठी हुई है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो सब देख रहे हैं। अब आप सोचिए पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वहां से बैठ के इंडिया के इलेक्शंस को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, कंट्रोल तो कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा फवाद चौधरी स्टेटमेंट उनका आया था जिसमें वो उन्हें राहुल गांधी को कह रहे थे राहुल ऑन फायर, और राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था उस पर लिखा था। अब एक और नई बात जो है फवाद चौधरी ने आज बड़ा जोश में आकर एक पोस्ट किया, और उसमें क्या कहा फवाद चौधरी ने, मैं एग्जैक्टली जो फवाद चौधरी ने कहा वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे एक पोस्ट के शब्दों से मोदी जी, वो कहना जी चाह रहे हैं हालांकि उनसे स्पेलिंग एरर हो गया है, मोदी जी हिल गए हैं, तो सोचिए अब ध्यान से सुनिएगा जो उनकी लाइंस है, अगर मेरे एक पोस्ट के शब्दों से मोदी जी हिल गए हैं तो सोचिए मुसलमान, सिख, ईसाई और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले हिंदू मिलकर क्या कर सकते हैं। फिर कहते हैं नेताजी की ये नेतागिरी बस इतनी सी है, मिलकर नफरत और तकसीम के प्रचार को रोकना होगा। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, भारत के नेताओं से कह रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से कह रहे हैं, और कह रहे हैं वोट उसका जो मोदी के संकट को रोक सके, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। अब आप सोचिए फवाद चौधरी के इंडिया में वोट देने आ रहे हैं क्या, पाकिस्तानी वोट देने आ रहे हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि वोट उसका जो मोदी के संकट को, मोदी जी उन्हें संकट दिखाई देते हैं वो मैं समझ सकती हूँ, जिस तरह से एक के बाद एक स्ट्राइक्स की गई हैं, टेरर जो जिसे पालता पोसता है पाकिस्तान, उसे पूरे तरीके से निस्त नाबूद किया जा रहा है, तो वो खींच भी यहां पर इस पोस्ट में दिखाई दे रही है कि वोट उसका जो मोदी जी के संकट को रोक सके, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। आगे कहते हैं क्षेत्र को शांति चाहिए, नफरत नहीं, नफरत के प्रचार को यानी मोदी जी को हराने वाले हर नेता के लिए हमारी ओर से सलाम है।
तब आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा टेंशन में इस समय हमारे पड़ोसी मुल्क और उसके नेता हैं। फवाद चौधरी सलाम कह रहे हैं, सलाम ठोक रहे हैं उन नेताओं को जो नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करें या नरेंद्र मोदी के जो उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम वापस ना जाए, एक बार फिर से कम बैक ना कर ले, तो वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ है, जैसा कि मुझे बताया गया था इरशाद अहमद क्या हमारे साथ हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद, इसके अलावा उज्मा कारदार और हमारे साथ राकेश त्रिपाठी होंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और सैयद जवाद होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इन सब से हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात मुझे आज लगी वो ये लगी कि ये अभी आपने सुना था यूएस में कहा जाता था कि रशिया जो है उनके इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की बात की जाती थी जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली थी, लेकिन यहां पर क्या है कि अब ये इंडिया के इलेक्शंस में इंटरफेयर तो नहीं कर पा रहे लेकिन इन्फ्लुएंस करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के नेता जब वोट मांगते तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान अगर वोट मांगने लगे भारत के नेताओं के लिए तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और मैं तो उसमें भी बड़ा सवाल ये सोच रही हूं, फवाद चौधरी की सुनकर भला कौन वोट करने जा रहा है, कौन वोट देगा कि फवाद चौधरी, कौन वोट देता है? क्या इंडिया में कोई ऐसा वोटर होगा जो सोचे ओ फवाद चौधरी ने ये कहा या पाकिस्तान हमसे ये कह रहा है तो हम ये जाकर वोट करेंगे? तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। राकेश त्रिपाठी है, मुस्कुरा रहे राकेश त्रिपाठी, ये तो अपने आप में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि जिस तरीके से कह रहा है फवाद चौधरी कि ये तो उन्हें सलाम ठोक रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई, और वो कह रहे हैं मोदी जी तो एक पोस्ट से ही हिल गए, आप कहां अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे हैं, जवाब दीजिए उन्हें। वो कह रहे हैं मोदी जी तो हिल गए फवाद चौधरी के एक पोस्ट से। देखिए अदिति, बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिनों के बाद आपसे एक नए प्लेटफॉर्म पर बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, धन्यवाद, आभार। महत्वपूर्ण मुद्दा आप लेकर के आएंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी मुल्क है, हम चाहे ना चाहे वो हमारा पड़ोसी है, हम उससे अच्छे रिश्ते रखे खराब रिश्ते रखे लेकिन वो हमारा पड़ोसी है, इस बात से हम कभी इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा भारत में जो कुछ भी घट रहा है, भारत की घट रही हर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और उसको भारत भी बहुत गंभीर निगाहों से देखा जाता है कि पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा हो जाता है जो भारत की मजबूती का विरोध कर रहे होते हैं, हमने देखा है कई बार, और इसीलिए हम बार बार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के सुर जो है वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं या चाइना से मिले हुए हैं, यानी भारत के विरोधी स्वरों के साथ कांग्रेस के नेताओं के स्वर हमेशा मैच करते हैं। और आज तो राकेश जी सुनिए, राकेश जी सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, आप बहुत ओजस्वी अंदाज में अपनी बात रख रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच वाले हिंदू, यानी आपकी सोच बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं है, आप बहुत दकियानुसी सोच के हैं फवाद चौधरी के मुताबिक। आप जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को डिफेंड करते हैं, सैयद जवाद की आंखें भी एकदम से फट रही हैं कि ये क्या, किस तरह का आज हम डिस्कशन देख रहे हैं, इतनी इनफॉर्मैलिटी के साथ इतना खुलकर बात हो रही है यहाँ पर, तो भाई ये प्रोग्रेसिव सोच वाले हिंदू किन्हें बता रहे हैं भाई? देखिए प्रोग्रेसिव सोच वाले हिंदू कैसे हैं, वो मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के रूप में हमने देखा है जो पाकिस्तान से जाकर के मदद मांग रहे थे कि कैसे मोदी को अपदस्थ करने के लिए हमको मिलकर के मदद करिए, हमने देखा है इस तरह के प्रोग्रेसिव सोच वाले हिंदुओं को खूब देखा है, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जो ओसामा जी, हाफिज सईद जी ऐसी इज्जत प्रकट किया करते हैं ना, जो जाकिर नाइक से चंदा लेने को वाजिब ठहराया करते हैं ना, ऐसे प्रोग्रेसिव लोगों को हमने बहुत देखा है। अब सैयद जवाद को बहुत आनंद आ रहा है, सच बात यह है कि फवाद की बात है तो जो जवाद की बात है उसमें कोई अंतर नहीं है, भारत के भीतर फवाद हो तो जवाद हो या पाकिस्तान बैठे फवाद हो, दोनों की बातें एक ही तरह की रहेंगी। आप विश्वास मानिए ये जितना ही इस तरह के भड़केंगे, परेशान होंगे, डरेंगे और घबराएंगे उतना ही भारत और मजबूत होते हुए दिखाई देगा। अच्छा ठीक है राकेश जी, पहले फवाद की बात कर लेते हैं, जवाद की बात बाद में करेंगे, जवाद की बात जवाद से ही करेंगे। देखिए फवाद की बात करने के लिए दो गैस जुड़ गए राकेश जी, हमारे साथ उज्मा कारदार है और इरशाद अहमद खान है। इरशाद जी पहले तो आप ये बताइए आपके यहाँ कितने इलेक्शन हुए हैं और उनमें से कितने इलेक्शन में आपकी फौज ने अपनी बैक डोर एंट्री नहीं करवाई है, और ये आप लेक्चर देने वाले कौन है भारत को डेमोक्रेसी पे? मतलब मुझे तो हंसी आती है जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट देखती हूँ। फवाद चौधरी वोट की बात कर रहे हैं, उनका वोट है क्या इंडिया में? अपने यहां तो कुछ कर नहीं पाए, सलवार पहनकर भागते हुए उनके वीडियो आए थे, भाग के घुस गए थे जैसे ही पुलिस को देखा था, क्या बात करते हैं फवाद चौधरी भाई? बहुत शुक्रिया जी अदिति जी, मैं ये कहूंगा कि एक ट्विटर पे ट्वीट करने से अगर पूरे हिंदुस्तान की नींद हराम हो गई, एक एक जो ना नेता है ना किसी पार्टी से ताल्लुक है, जरा सुन लीजिए,
ना उसका किसी पार्टी से ताल्लुक है, ना वो हुकूमत का नुमाइंदा है, ना वो मुल्क का कोई हमारे मुल्क को चलाने वाला बंदा है, वो एक आम आदमी है। उसने एक ट्वीट किया, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। जब खुदा ना खास्ता कभी हम लोगों ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे लोगों ने, हमारी आर्मी के, हमारे सियासतदानों ने किसी ने इस तरह का ट्वीट किया, तो मेरा ख्याल आप लोग तो अपना सब कुछ ही बंद करके भाग जाएंगे। दूसरी बात, कहाँ भाग जाएंगे? इजाजत के साथ नहीं, वो 71 में आपका माहौल हम बदल चुके हैं, हम भारतीय हैं, आपका 71 में माहौल बदल चुका है, 71 में माहौल बदल चुका है। एक सेकंड, वन बाय वन, एक सेकंड बात करें। देखिए, जब आप इरशाद साहब, वैसे मैं आपको ही बता दूं, आम आदमी की एक ट्वीट पे आप लोगों की ये हालत है। अगर आम आदमी ने किसी ने कोई, अरे सुनिए, वही तो उसी बात पे तो मैं हंस रही हूँ। आम आदमी है, अब वो आम आदमी है, अब वो बिल्कुल अच्छा जैसे कि नॉर्मल लोग, उसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, किसी पार्टी से, जिस पार्टी में था उससे भी निकाल दिया गया, जिस हाँ उससे खत्म हो गया। नहीं नहीं सुनिए, आपको ये गलत फहमी कहाँ से होती है, आपको ये गलत फहमी कहाँ से होती है कि भारत हिल जाता है आपके एक ट्वीट से, आपको या पोस्ट से, अब तो ट्वीट कहना भी नहीं चाहिए, आपके एक पोस्ट से एक देश हिल जाता है। पिछले तीन दिन से क्या हो रहा है आपके यहाँ? देखिए, पूरे चैनल, पूरे लोग, आप लोग उसी पे डिबेट कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने इलेक्शन के बारे में, अरे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हंसी आ रही है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हंसी आती है हमें ऐसी बातों पे, हमें हंसी आती है। कश्मीरियों के लिए बिजली आती है आपके यहाँ? पानी है आपके पास? आटा है आपके पास? एसी भी है पास? मैं कह रहा हूँ बैठो, वो आटे के लिए दंगा तो नहीं हो रहा है? आटे के लिए दंगा तो नहीं कर रहा है? वो बेवकूफों के हाथ में हुकूमत आई थी, उन्होंने ये मुल्क का हाल। अच्छा 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 अच्छा, वो एजेंट आप लोगों के थे, उनको चने चबाए और उनकी तबीयत साफ की। हमारी हुकूमत अब जो बनी हुई है ये बड़ी मजबूत हुकूमत है, और इस वक्त वो लोग हैं जो मुल्क की खिदमत करना जानते हैं, जो जिससे लोग खुश हैं, आवाम खुश है। अरे सर, आप अपने चुनाव का प्रचार वहाँ पे कीजिए ना, पाकिस्तान में, इंडिया में मत कीजिए। आपको ये गलत फहमी कहाँ से है कि इंडिया में आपकी बात सुनी जाती है? हम तो आपके प्रचार की बात कर रहे हैं कि देखिए, आप लोग इस वक्त किस हालत में है, आप हालत जंग में है, आप हालत में इलेक्शन में नहीं है, आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है इस वक्त। आप अच्छा देखिए, अपने मुल्क की तरफ देखिए, अपने इदारों की तरफ देखिए, अपने वजीर आजम की तरफ देखिए। क्या हालात खराब हो गए? जो के कभी राजपूतों को गाली देता है, कभी मुसलमानों को घुसबैठिया कहता है, कभी सिखों को मारता है, कभी दहशतगर्दी फैलाता है। आप ये कहाँ से पढ़ते हैं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मुझे मत दीजिएगा। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी का ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुझे मत पढ़ाइए। अरे आपके यहाँ तो आप 71 वॉर नहीं हारे थे, आपके यहाँ तो 71 वॉर भी आप नहीं हारे हैं, आप मुझे पढ़ा रहे हैं। एक लफ्ज बोलिए, हाँ बोलिए, एक लफ्ज बोलिए, चुटकुला ही सुनाते हैं ना आप। कनाडा के वजीर आजम ने सिखों का साथ देने के लिए कमर बांध ली है, अब वो लोग आप कमर बांध ली है करेंगे, कमर बांध ली है सर, बोलते क्या है आप? अरे ठीक है, पहले आप चाइना के कंधे पे बंदूक रख के लड़ते थे, अब आप जस्टिन ट्रूडो के कंधे पे बंदूक रख के लड़ लीजिए। लड़ाई आपके बस की है नहीं, यही तो प्रॉक्सी से लड़ते हैं आप, छिप छिप के आप लड़ते हैं। उज्मा कारदार, ये फवाद चौधरी को पाकिस्तान में कितने वोट मिलते हैं? एक सेकंड रुक जाइए, अब उज्मा कारदार, ये पाकिस्तान में कितने वोट मिलते हैं फवाद चौधरी को, इंडिया की डेमोक्रेसी पे लेक्चर देने निकल पड़े वो? देखिए, बात सारी ये है कि आपको अगर हंसी आ रही है तो आप मेरे ख्याल में चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हंसे, तो चले हम भी आपके। हाँ हाँ, बिल्कुल हंसना चाहिए, हंसी है, आपको तो वैसे भी हंसना चाहिए, बहुत ही बुरे हालात हैं। ही इज अ नोबडी, जिस तरह मेरे पाकिस्तान से दोस्त फरमा रहे हैं, उनको तो अपनी पार्टी ने निकाल दिया है बाहर, उनके कोई वक्त वैल्यू नहीं है, वो ना हुकूमत में है, ना वो सेंटर में है, ना पंजाब में है, वो तो जेल में बैठे सड़ रहे हैं इस वक्त। तो बात सारी ये है कि आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों को हो क्या गया है, आपके क्या हो गया? बैलेंस है, एक बैलेंस होता है ना किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देने का, वो बिल्कुल जो है वो जीरो हो चुका है। एक ऐसे शख्स को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसकी यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी यहाँ कोई बात नहीं सुनता। तो आपके यहाँ तो शरीफ की भी इंपॉर्टेंस नहीं रही है? अरे उज्मा जी, आपके यहाँ तो शरीफ की भी इंपॉर्टेंस नहीं है,
आप क्या तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सीरियसली नहीं लेते, आप क्या तो इमरान खान नियाजी को सीरियस नहीं लेते, आपके यहाँ आपके यहाँ वैल्यू किसकी है? क्या मैं कहूँ, सुनिए, आपके आर्मी चीफ के अलावा अब तो आपके आर्मी चीफ को भी गाली पड़ रही है, तो आप मुझे बता दीजिए किसको सीरियसली लेना है, पहले बता दीजिए आपके कौन एक से ऐसा व्यक्ति है जिसको सीरियसली लिया जा सकता है, चलिए आप ही बता। हिंदुस्तान की हद तक आप जो अरे परेशान मत हुई है इशाद अहमद, परेशान मत हुए हुई है प्लीज, अभी तो शुरुआत हुई है सुनने की आपके पावर है बात करें ना, अभी तो हमने सुनाया ही नहीं आपको। आपका जो मंत्रा है ना, आपके पास आटा है, आपके पास बिजली है, आपके पास खाना है, अरे आपके पास हम बैठ के इस वक्त हाई टेक तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये आप सोचिए कि अगर हम इतना आईटी में एडवांस हो चुके हैं कि स्ट्रीम बहुत एडवांस है, आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत बहुत एडवांस आप हो गए हैं, हो रहा है तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत एडवांस आप हो गए, सर्टेन पॉकेट्स में बिजली पानी रख के आप बहुत एडवांस हो गए हैं। अच्छा दुनिया के कितने नंबर की इकोनॉमी है पाकिस्तान, दुनिया के कितने नंबर की इकोनॉमी है पाकिस्तान मैम, आप ये बताइए जरा सा मुझे। हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा सही जा रही है और सही डायरेक्शन में जा रही है, अभी आप इकोनॉमी को छोड़िए, अभी देखिए अभी देखिए कि कितने परेशान है हमारे, इन्फ्लेशन भी कम आ रही है, हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है और हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ रही है, तो ये जो अभी आपने अपने हाईवेज गिरवी रखे हुए थे, ये जो आपने अरे सुन तो लीजिए, आपने जो हाईवेज गिरवी रखे थे कब तक छुड़वा लेंगे आप लोग, अरे नहीं हमारे आ नहीं रहा, चल रहा है कैंपेन में, आप पाकिस्तान आपको हर वक्त पाकिस्तान को जो है ना उसको आप अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं वोट मांगने के लिए। अरे मैडम वो तो आपके यहाँ है, आपके यहाँ ही बता रहे थे इमरान खान नियाजी, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया, भारत इतना इंडिपेंडेंट बन गया, भारत ने ये अकम्प्लिश कर लिया है, अभी थोड़े दिन पहले आप ही क्या फजलुर रहमान कह रहे थे कि भारत आत्मनिर्भर बन गया, सुपर पावर बनने जा रहा है, हम भिखारिस्तान है, तो ये तो मैडम आपके यहाँ पे बात हो रही थी भारत की, मैं तो आपसे सिर्फ काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। बोले तो मौलाना को बोले कि फिर जाए वो इंडिया में सेटल हो जाए, अगर उनको इतना पसंद वाह इंडिया, समझ क्या बात है, क्या क्या कर रहे हैं बैठे हैं भाई, आप फिर जाए आप वहाँ पे अपनी बैठ के तो कारोबार करें, वहाँ पे अपनी पार्टी बनाएं, फिर ना पाकिस्तान में। अच्छी आप बुरा लग गया तो मौलाना को भारत आ जाना चाहिए, ठीक है बढ़िया सही है जवाब, हर लिहाज से हमारा हाँ ठीक है मैम, आप बहुत खुश हैं और आप भगवान करे आप ऐसे ही रहें हमेशा, आप जिस हालत में हैं उसी हालत में आप रहें, मैं बस यही कहूंगी ऐसी ये जो खुशी है आपको है ना आप इसी खुशी में रहें और भारत को बख्श दें, आपकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनसे भारत को बख्श दें, आप जवाब लीजिए सही है जवाब से जवाब ले लीजिए पहले जवाब लीजिए। नहीं मैं तो इरशाद साहब को और उज्मा जी को सुन रहा था और थोड़ा सा हंसी भी इस बात पे आ रही थी कि वो बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब की, वो सही कहा उन्होंने कि उनकी जो है पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता, उनकी उनकी पार्टी के अंदर उनकी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन हमें हैरत की बात ये होती हिंदुस्तान नहीं नहीं सुनिए हिंदुस्तान की नींदें हराम करने का ख्वाब आप सुन लीजिए इरशाद साहब, हिंदुस्तान की नींदें हराम करने का ख्वाब आप देखना छोड़ दीजिए, यहाँ के हम जो भारतीय लोग हैं, हम जो इंडियन लोग हैं, 71 आप भूलिएगा मत और करगिल भी मत भूलिएगा आप, और उसके बाद जो है आप 71 भी मत भूलिएगा, 72 भी मत भूलिएगा, आपके ऊपर लगातार जितना जो है हम लोगों ने दे रखा उसी में खुश रहिए, और जिस आप जो है चीजों के ऊपर जिंदा है वो तो बस अल्लाह ही जानता है क्या पॉलिटिकल हालात हैं आप लोगों के, वो आप जाने, लेकिन मुझे हैरत की बात ये हुई मुझे वो सब जानते हैं नहीं हमारे यहाँ है हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है उज्मा सुनिए तो अब देखिए आप ज्यादा बोलेंगे फिर नवाज शरीफ साहब कुछ भेज देंगे, फिर वो भेज देंगे और वो फिर लिए जाते हैं बहुत तगड़े तरीके से, अब ऐसा मत बोला करिए वहां पर, हाँ वैसा अभी इमरान खान साहब के साथ बोलो वो मत बोला करिए आप, वो मत करिए, हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है, नहीं नहीं हमारे यहाँ पे आप हिंदुस्तान का मुकाबला करिए मत, आप हिंदुस्तान का मुकाबला मत करिए, आप अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचिए, आप यहाँ जो बड़े स्तर पर भूख मरी है वो मत चलिए आप, कोई बात नहीं हम अपनी कौमी सलामत से मिलेगी, अभी अभी कटोरा लेकर के भीख लेने जाइएगा आईएमएफ के सामने, आप जाइए किंग सलमान के सामने जाइए भीख लेने, आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे जगह जगह, ये इकोनॉमी की हालत है, आईएमएफ ने आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर के खड़े हुए, उज्मा जी कुछ तो शर्म कर लीजिए, और बात आप जो है यहाँ के लोग मुसलमानों के करते हैं कुछ तो शर्म करिए,
अरे सुन तो लीजिए, सुन तो, अरे मैं आपको देखिए देखिए हमारी भारतीय तहजीब देखिए कितनी अच्छी, आप बोल रहे थे मैंने बोला, ये देखिए हमारी तहजीब देखिए, हमारी तहजीब देखिए। मैडम एक सेकंड सुन लीजिए भाई, उज्मा जी सुन लीजिए मैडम, आप ज्ञान मत दीजिए प्लीज, पाकिस्तान वुड बी द लास्ट कंट्री टू गिव ज्ञान टू एनीवन, प्लीज उज्मा जी आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, ये देखिए हमारे यहाँ की तहजीब है, हमको सिखाई गई है कि जब कोई बात करता होता बीच में नहीं बोलते, ये तहजीब के दायरे के अंदर रह करके बात करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपका हूँ, डिस्टर्ब किया था नहीं नहीं मैंने नहीं डिस्टर्ब करा, एक सेकंड, तू तू मैं वक्त नहीं, तू तू मैं वक्त जाया नहीं करना है, एक सेकंड उज्मा जी प्लीज मैम, आप बोल चुकी हैं, दूसरे गेस्ट को तो मत डिस्टर्ब कीजिए, अरे मैडम सुनिए ना प्लीज, मैडम बात सुनिए, उज्मा जी आप इतनी देर से नॉन स्टॉप आप बोले जा रही, फिर भी बोल रही है, आप नहीं बोल पाइए, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम सुन लीजिए, अरे मैडम आपको तो सच का आईना तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, आप झूठ बहुत बोलते हैं आप लोग, प्रोपेगेंडा चलाते हैं आप, एक मंच क्या मिल जाता है आप लोग पूरी झूठ एकदम झूठ आके वोमिट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए मैम, ऐसा मत किया कीजिए, हाँ तो ठीक है सुन लीजिए, अब सुनिए प्लीज सुनिए, अब राकेश त्रिपाठी एक सेकंड, सैयद जवाद 10 सेकंड बात पूरी कीजिए जल्दी से, चलिए से बात पूरी कीजिए, हमारी नाइतफाकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं उनसे मेरी नाइतफाकी है पॉलिटिकल इश्यूज पे और जम करके होती है, लेकिन आपको बता दूं हमारी यहाँ पॉलिटिकल नाइतफाकी होने के बावजूद भी हम एक रहते हैं, खूब हम लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन अपने अंदर हम भारतीयों के अंदर एक चीज है जो हमारी भारतीय अवस्था के ऊपर जब कभी बात आती है तो हम एक यूनिट होते हैं आपकी तरीके पर नहीं। दूसरी चीज राकेश त्रिपाठी के ऊपर मैं टिप्पणी कर दूं, राकेश भाई के ऊपर भी करना क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर और तमाम जगह पे करी, आज कांग्रेस पार्टी की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा और उज्मा जी की भाषा में मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा, दोनों की भाषा मुझे एक ही लग रही, मुझे हैरत की बात होती है, और अभी जो दूसरे प्रवक्ता थे वो एक ही जो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, अरे हम भीखमंगों की बात क्यों करें भाई, वो जबरदस्ती कर रहे हैं आकर के, वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर पहले राकेश त्रिपाठी से जवाब लीजिए, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पे वोट कर देंगे राकेश जी, यही कह रहे हैं, नहीं पाकिस्तान तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस समय लगातार रोना रो रहा है कि आमिर सरफराज, परमजीत सिंह पंजवाल, बसीर अहमद पीर, एजाज अहमद अहंगर, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, अदनान उर्फ हंजला अदनान, मोहम्मद रहीमुल्ला, अकरम खान, ऐसे कई सारे नामों की फेहरिस्त है, ये सारे वो नाम है जिनको आजकल कोई अज्ञात हमलावरों ने उनको मार गिराया है और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जा जाकर के रो रहा है कि ये मोदी सरकार करा रही है, इसीलिए इनको लगता है कि मोदी जी कहीं आ गए लौट करके तो ऐसे कोई और अज्ञात हमलावर, ये भारत के तमाम जो दुश्मन आतंकवादी है ना, इन आतंकवादियों का और सफाया हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके पाकिस्तान की पूरी आज जो इकोनॉमी है ना जिन आतंकवादियों के दम पर चलती है वो पूरी ढह जाएगी और कटोरा इनका बड़ा हो जाएगा मांगने वाला, इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अल्लाह से दुआ करो कि कैसे मोदी सरकार वापस लौट कर ना आए, अभी आए फिर से, अच्छा ठीक है डॉक्टर इरशाद अहमद बत्ती आ गई आपके यहाँ पर, लाइट आ गई है या इंटरनेट का कनेक्शन टूट गया था, अरे नहीं ये तो बताइए, अभी उज्मा जी कह रही थी हमारे यहाँ इंटरनेट ये, हमारे यहाँ बत्ती ये, हमारे यहाँ पानी ये, लाइट आ गई आपके यहाँ? देखिए लाइट नहीं आई मुझे, मैंने कहा कॉल ज्यादा जरूरी है, सुनना मुझे बिजनेस है मेरा, मैं बिजनेस, अच्छा दूसरी बात ये जो कुछ आप लोग फरमा रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा बोला करें कि कुछ सच लगे, इतना झूठ बोलते हैं आप लोग के वो सच लगने लगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा,
दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, अब आप लोगों की जो झूठ का पलंदा जो कुछ आप बोल रहे जवाब बहुत देर बाद उनकी लाइट आई है, प्लीज जरा हैव पेशेंस थोड़ा, तो कैसे कैसे करके उन्होंने कनेक्शन जोड़ा होगा। एक सेकंड, ठीक है उषमा जी आप शांत हो जाइए, मैम शांत हो जाइए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, शांत कर दिया मैंने उन्हें। चलिए बोलिए। लोगों की आदत है कि दूसरे की आवाजें खल्क आप छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, लेकिन इतना शोर डालो कि दूसरे को सुनाई ना दे और दूसरा दूसरे को सुन ना सके। तो ये सुनिए डॉक्टर इरशाद अहमद देखिए आपकी आवाज का तो ऐसे है, मैं भी आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा दूंगी, आवाज के साथ आप भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको बुलाना ना हो, अगर आपको बुलाना का मकसद, सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन अगर यही करना है तो आपको बुलाते नहीं, सिंपल बात है ना, आपको बुलाया है ताकि आप बोल सके। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रोपेगेंडा ही हो यहाँ पर उसकी वोमिट कर दें सर, ऐसा मत कीजिए ना। आपकी कितने, आपकी वोमिट कब तक हम देखते रहे और आपको सुनते रहे, झूठ बोलते रहे आप लोग, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात। अरे भाई हम थोड़ी कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। अरे आपके नेताओं ने किया है जो भी किया है, मेरे नेताओं ने, अरे आपके नेताओं ने किया है जो भी किया है, फौज ने वहां पर आपके सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, ये आपके यहाँ किया गया है, भारत थोड़ी करेगा उसमें कुछ। मेरी आर्मी, हर बात हमारे लोगों से मोहब्बत करते हैं, एक तो आप, अरे यही लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं, आए हाय मेरी अजीम फौज, इन्हें सोने। चलिए तीन बार हारने वाली फौज आप ही को मुबारक हो, तीन बार हारने वाली फौज आप ही को मुबारक हो। राकेश जी ये कहते हैं सोते जागते, ओए होए, ओहो सरेंडर, अरे इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के बारे में कोई पढ़ाए भाई पाकिस्तान में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के बारे में पढ़ाए कोई, कोई बात नहीं। राकेश जी क्लोजिंग कॉमेंट आपका सर, ये कह रहे हैं कि हम तो एक पोस्ट भर से भारत को हरा सकते हैं। देखिए सच बात यह है कि पहले पाकिस्तान तो भाग जाएगी आपकी फौज, अब कम से कम सुना करिए साथ साथ, हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला देती हूँ, ये उसका शौर्य था कि वापस आ गई, वरना आपके एक दो नहीं चार टुकड़े होने थे। आप जरा ये गलत बयानी ना किया करें, इंडियन फौज को चैलेंज मत कीजिएगा। राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, अरे ठीक है अगर बोले गलत बयानी करेंगे तो सुनने का मादा रखिए। चलिए राकेश त्रिपाठी, पाकिस्तान से तुलना, पाकिस्तान से तुलना का कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान आज जिस गुर्बत की तरफ जा रहा है, जिस पतन की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे करके पाकिस्तान नाम का मुल्क समाप्त हो जाएगा, और पाकिस्तान जिस तरह से अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है, बार बार बची है, और भारत आज 11वें स्थान से लेकर के आज 5वें स्थान तक की कहानी आज आर्थिक तौर पर भारत ने आर्थिक महाशक्ति बनकर दिखाया है। हम तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, और बहुत जल्द ही पाकिस्तान ऐसे ही आटे के लिए मोहताज रहेगा, और हम पूरी दुनिया में नंबर एक भारत के बनकर दिखा देंगे। इसलिए भारत से पाकिस्तान के कोई तुलना का मसला नहीं है। हाँ पाकिस्तान तेज की कोशिश करता रहे, दुआ करता रहे अल्लाह से, वापिस उज़्मा जी कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आपकी, कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आपकी, कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जरा बताएंगे आप, और भारत की कितनी है, मुकाबला भारत से करेंगे। एक रुपया जमा करके अगर आपको दान में दे देगा ना, तो आपकी आमद की कुछ और ज्यादा हो जाएगी, आपकी आमद की कुछ ज्यादा हो जाएगी, अगर हमने एक सेकंड सैयद जवाद प्लीज। उज़्मा जी अरे मैडम आप कहाँ लोगों को मार रहे हैं, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, उन्होंने आपसे सवाल पूछा आपकी कितने डॉलर की इकोनॉमी है ये बताइए बस, अरे भाई और भारत की कितने की है, अरे कितने डॉलर की इकोनॉमी है बताइए तो सही आपकी, अरे बताइए तो आपकी कितने डॉलर की इकोनॉमी,
अरे अरे आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी इकोनॉमी कितने डॉलर की है, आपका इसीलिए आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपसे क्या चैनल पे आदित्य हर चैनल पे बीजेपी का आप मैडम आपसे क्या पूछ रही हूँ, अरे तो बीजेपी नहीं आएगी क्या, अगर सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी को नहीं बैठाएंगे, आप ये चाह रहे हैं कि डिबेट से भी आउट कर दे, नहीं आपसे पूछ के थोड़े ना गेस्ट बैठाया जाएगा, रूलिंग पार्टी को ना बैठाएं, आपके यहाँ फौज का बाशिंदा बैठ जाता होगा, फौज का नुमाइंदा बैठा लेते हैं, आप सोचते बैठ गया लोकतंत्र बैठ गया उसमें, यहाँ नहीं चलता है ऐसे, यहाँ नहीं चलता हमारे यहाँ ऐसे, रूलिंग पार्टी है बीजेपी और बीजेपी बैठेगी, रूलिंग पार्टी है बीजेपी और बैठेगी, पहले आप ये बताइए आपकी इकोनॉमी कितने डॉलर की है, आपकी इकोनॉमी कितने डॉलर की है मैडम, पहले ये बताइए, नहीं पता होगा मैडम, चल चलिए मैं इसी पॉइंट पर इस डिस्कशन को क्लोज करूंगी, अब आपके लिए उज्मा जी और डॉक्टर इरशाद अहमद आपके लिए होमवर्क है कि नेक्स्ट टाइम हम जब ये डिस्कशन करेंगे तो आप दोनों ये होमवर्क करके आएंगे कि ये कितने डॉलर की इकोनॉमी है आपकी, हाँ प्लीज अब आप नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आएंगे और ये भी पता करके आएंगे कि भारत की इकोनॉमी कितने डॉलर की है, और उसके बाद अपनी बात रखेंगे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस डिस्कशन पर मुझे क्लोज करना है, मुझे शो क्लोज करना है, सही जवाब जवाब में ये शो क्लोज कर, चलिए ठीक है 10 सेकंड जल्दी से जल्दी से, अगर अगर हम भारतीय मिल करके एक एक दो दो रुपए चंदे में जोड़ेंगे तो आपको अगर हम धान में दे देंगे तो आपका IMF का कर्ज उतर जाएगा, इतनी सी आपकी इकोनॉमी है, और भारत की इकोनॉमी का मुकाबला करने के लिए आपको 70 साल में दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा, चलिए ठीक है मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं, चलिए मैं इसी बिंदु पर क्लोज करूंगी इस डिस्कशन को, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है हाँ वो मुकाम है आपका, आपका मुकाम है कोई डाउट नहीं है, आतंकिस्तान के तौर पर आपका मुकाम है, चलिए इसी बिंदु पर मैं शो क्लोज कर रही हूँ, इसी बिंदु पर ये शो क्लोज करूंगी, कोई मुकाबला नहीं भारत और पाकिस्तान का, और आपका मुकाम है आतंकिस्तान का, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उज्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सैयद जवाद आपका, और राकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रॉडकास्ट के दौरान जुड़ने के लिए, नमस्कार जय हिंद।